उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा को देखते हुए आजाद मैदान में जिला प्रशासन और नगर पालिका की तरफ से अस्थायी पार्किंग का निर्माण करवाया गया है और यहां पर गंगोत्री धाम जाने वाले यात्री अपने वाहन पार्क कर रहे हैं, लेकिन पानी की निकासी की व्यवस्था ना होने की वजह से यहां वाहन पार्क करने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस मामले में नगर पालिका के अधिकारियों का कहना है कि पार्किंग स्थल से पानी की निकासी की व्यवस्था की जा रही है। मैंने देखा कि यहाँ पर आकर के देखा यहाँ बहुत गंदगी है, पूरा कीचड़ हो रहा है, लोगों के कपड़े ख़राब हो गए, पैर हम लोगों का जो है उतरने में दिक्कत हो रहा है ना। यहाँ सफाई होना चाहिए। आप लोग पार्किंग का पैसा पूरा ले रहे हैं, 200 रुपये पर गाड़ी से लेते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ सफाई होना चाहिए और इस तरीके की गंदगी में लोग कैसे आते हैं। इसलिए यहाँ के प्रशासन को ध्यान देना चाहिए और इस पर ध्यान दे करके जो है इस पर कार्य करना चाहिए। आए तो हैं यात्रा लेकर, बट जो सुविधा हमें चाहिए थी वो यहाँ पर नहीं मिल रही। देखो ये लोग हमारे से पार्किंग भी ले रहे हैं, बट यात्रियों को कहाँ उतार रही है। देखो कीचड़ ही कीचड़ है, ना तो यहाँ पे बाथरूम की सुविधा है, ना यहाँ पे उतरने की सुविधा। हम लोग पार्किंग दे रहे हैं किस बात के लिए? सोचा था कि इस बार चार धाम यात्रा में पिछली बारी से ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट की होगी, बट ये तो पिछली बारी से ही भद्दा हो रखा है। कहाँ यात्रियों को उतार रहे हैं आप लोग, खुद देख लो कहाँ पर कीचड़ है। यही पैर कीचड़ भरे गाड़ियों में जा रहे हैं, हमारे गाड़ियाँ अंदर से गंदी हो रखी हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि यात्रियों को कोई तो सुविधा दे।